राजपूत सभा ने मंडी जिला के स्कोडी पुल पर बने चौक को महाराणा प्रताप चौक का नाम देने की वकालत की है। मंडी में आयोजित बैठक में प्रस्ताव पारित कर राजपूत सभा ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से एक प्रस्ताव पारित कर ये मांग उठाई है। राजपूत सभा की बैठक माधवराव मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर शहर में मौजूद स्कोडी पुल चौक का नाम महाराणा प्रताप के नाम से रखने की वकालत की गई। साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग भी उठाई गई। महाराणा प्रताप भवन के लिए हम हिमाचल सरकार से भी और जिला प्रशासन से कई बार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें भूमि स्वीकृत नहीं हो रही है। नंबर दो, मंडी शहर के मध्य में जो सुकेड़ी पुल बना है उसके चौक का नाम जो है महाराणा प्रताप चौक रखा जाए। इसके लिए सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से और डीसी मंडी से भी हमने मांग की है। तो ये मामला जो है संयुक्त सचिव पीडब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निलंबित है। हमने वहां भी रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से इस फाइल को आउट किया जाए ताकि महाराणा प्रताप को राजपूत बिरादरी उचित सम्मान दे सके। इसके साथ हम सामान्य वर्ग जो भी राजपूत ब्राह्मण बालिया खत्री महाजन प्रकार की जातियां हैं वो सभी सामान्य वर्ग में आती हैं, उनसे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए भी बैठक में बड़ी चिंता व्यक्त की, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि SC ST एक्ट जो है वो एकदम इनोसेटरी धारा लगा दी जाती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि इसमें जो है एकदम उनकी गिरफ्तारी न की जाए, तो केंद्र सरकार ने उस पर एकदम संशोधन कर दिया जिससे सभी भारतवर्ष के सभी सामान्य वर्ग के लोगों में भारी रोष है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि SC ST एक्ट में जो बदलाव किया गया है उसको तुरंत वापस लिया जाए।